तार साहब ये बता दें कि आज जहांगीर तरीन साहब की पेशी थी, आप और दीगर साथी उनके साथ पेश हुए हैं, क्या मकसद था उनके साथ इजारे यकजहती के लिए है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम समझते हैं कि हमारी तारीख इंसाफ में चंद लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन को हर तरफ से उनको घेर के नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम बतौरे तरीके इंसाफ के लोग जितने भी उसके दोस्त हैं, ये हम एहतजाजन आए हैं कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं और खड़े रहेंगे। खान साहब को चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में वो लोग ढूंढें जो हमारी जमात तरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम तो आज़ाद बन के इनके में शामिल हुए हैं। हम एहतजाज करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब से इंसाफ किया जाए। यही क्वेश्चन है आपसे भी कि जहांगीर तरीन साहब के साथ पेश होने का वक्त आपका क्या मकसद था, क्या पैगाम है? हमारा मकसद जहांगीर तरीन साहब ने वाजे कर दिया है कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जहांगीर तरीन साहब का इंसाफ मांगते हैं। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जहांगीर तरीन को भी इंसाफ ना दे सकी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आम लोगों को इंसाफ दे सकेगा। तो हम आज MNAs, MPAs, गुजरा इसीलिए आज तशरीफ लाए हैं कि जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ मिले, और अगर ये इंसाफ ना मिला तो ये काफिला इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा।